एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाएंगे सीमा हैदर के साथ। सीमा हैदर ने दोहराया, वो जासूस नहीं है, प्यार में हिंदुस्तान आई है। एटीएस ने सबसे पूछताछ की है और मुझे अब पाकिस्तान वापस नहीं जाना है। मेरे सहयोगी गौरव से इस खास बातचीत में सीमा हैदर ने क्या कहा, सुनिए। और देखिए, इस वक्त सीमा हैदर जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, टीवी 9 भारतवर्ष के साथ जुड़ गई हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सीमा, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। जी सर, धन्यवाद। सीमा, आपकी तबीयत सुनने में आया खराब थी, कैसी अभी आपकी तबीयत? ठीक है सर, सही हूँ अब, पहले से सही हूँ। सीमा, एटीएस ने आपसे पूछताछ की, काफी देर तक आपसे पूछताछ हुई और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर छोड़ दिया गया, क्या आप हमें बता सकती हैं एटीएस ने आपसे क्या पूछा? सर बहुत कुछ पूछा, अब मैं हर बात तो नहीं बता सकती, लंबी बात हो जाएगी। बहुत कुछ पूछा, हर बात, हर चीज बारीकी से पूछी गई सर, हर चीज को, शुरू से लेकर, मतलब मेरे जन्म से, पैदा होने से लेकर आज तक की जिंदगी का सब पूछा गया सर, छोटा बड़ा, जो रिश्तेदार है, सबके बारे में सब कुछ। जैसे कुछ सवाल अगर आप हमें बता सकें, क्या उन्होंने पाकिस्तान से जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछे? सर शुरू से तो वही पूछा गया, सब कुछ पूछे गए और बाकी चीज़ें वो खुद ही बता सकते हैं सर, मैं इतना ही बता सकती हूँ। तो क्या उन्होंने आपसे पूछा कि क्या आप ISI जासूस हैं? सब पूछा गया सर, जो सच था मैंने सब बता दिया, अब इस फैसले का इंतजार है सर। आप परेशान लग रही हैं सीमा, क्या आपको किसी बात का डर है? नहीं सर, सचिन की तबीयत ही नहीं है, वो सुबह से मैंने देखा नहीं तो बहुत। क्या हुआ सचिन को? मेरे पति नहीं, मेरे पता नहीं। धैर्य रखिए सीमा, मैं उनके बिना बहुत कमजोर महसूस करती हूँ सर, मैं हम थक गए हैं सर, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा ना दी जाए, कोई सोचता ही नहीं, कोई विश्वास ही नहीं करता, मैं मान मान के थक गई हूँ, मैं कोई जासूस, कोई दहशत गर्द नहीं, मैं प्यार में आई हूँ, मैं हिंदुस्तान प्यार में आई हूँ सर, और अगर मेरे दिल में थोड़ा भी छोर होता तो मैं इस तरह नहीं रहती सर। नहीं, लेकिन अभी आपने कहा सीमा कि सचिन को आपने देखा नहीं, मुझे कहा जा रहा है, ये क्या मतलब समझे नहीं हम? नहीं सर, वो बीमार है, वो नहीं तो बीमार है तो घर पर नहीं है क्या? अगर कहाँ है सचिन? दवाई लेने गए सर। अच्छा, आप धैर्य रखिए, आप रोइए मत प्लीज, आप रोइए मत, मुझे मालूम है कि आप बहुत ज्यादा आप इस वक्त दुख में हैं और बहुत ज्यादा आप इस वक्त चिंता में हैं, टेंशन में हैं, लेकिन सीमा क्योंकि कुछ सवाल जो आपको लेकर उठ रहे हैं उन्हीं का जवाब हम आपसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको कोई ऐसा कोशिश नहीं करेंगे जिससे आपको हम परेशानी दें, लेकिन सचिन को आपने कहा कि आपने देखा नहीं है पिछले कुछ देर से, तो मतलब समझ में नहीं आया, जरा डिटेल बताइए, सचिन है कहाँ? नोएडा में ही है, कहीं और गए हैं, कहाँ है? यही है सर, नोएडा में ही है। नोएडा में ही है, क्या हुआ उनको? आ जाएंगे अभी सर, जी सर आ जाएंगे, तबीयत ठीक नहीं है सर उनकी भी। अच्छा, तो आपसे भी पूछताछ की या सचिन से भी पूछताछ की एटीएस ने? सबसे करी, पापा तक सबसे सर। उनसे भी की? पापा से, मुझसे, उनसे, बड़े बच्चों से, सबसे हुई सर। सबसे बड़ा सवाल क्या पूछा उन्होंने आप लोगों से, कोई एक सवाल जो आप तीनों से पूछा हो? उनका तो अभी हमने कभी साथ में बैठ के बताया नहीं, उन्होंने मुझे नहीं बताया, पापा ने कभी नहीं बताया कि मुझसे क्या पूछा, या मैंने कभी उनको नहीं बताया मुझसे, क्योंकि एक सवाल वही थे सर शुरू से लेकर जो अब तक होते आए वही थे, पर ये तरीका कुछ अलग था, पर सवाल तो वही थे सर जो यहाँ पे पूछे गए, जो वहाँ थाने में पूछे गए। जी सर। सीमा, आपको मालूम है अभी कुछ अधिकारियों ने, एक अधिकारी जो यूपी पुलिस के बड़े, उन्होंने कहा कि आपको डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है, आपको मालूम है इस बारे में? नहीं सर,
सर ऐसा मत करो सर, नहीं सीमा रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत सीमा, सीमा रोइए मत, ध्यान रखिए ना बेटा सर, सीमा इस वक्त कह सकते हैं आप टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त चिंतित हैं पाकिस्तान भेजे जाने को लेकर, और शायद इस मनोस्थिति में कि बात नहीं कर पा रही हैं, लेकिन वो साफ साफ कह रही हैं कि उनको पाकिस्तान ना भेजा जाए।